अनुराग। भोपाल से एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव पर मामला दर्ज हुआ है। पीएम के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की थी। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने दर्ज कराई एफआईआर। विदिशा जिले के कोतवाली थाना में मामला दर्ज हुआ है। तो पीएम के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने ये एफआईआर कराई है। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव पर मामला दर्ज हुआ है। दरअसल पीएम के बारे में अमर्यादित टिप्पणी भार्गव ने की थी और इसी को लेकर के जो है बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई है। सतना की अदालत ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सईद अहमद को एक साल की सजा सुनाई है, साथ ही 2000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में पूर्व मंत्री को सजा सुनाई। दरअसल सईद अहमद और शैलेंद्र त्रिपाठी ने नेशनल ट्रांसपोर्ट नाम से पार्टनरशिप में व्यवसाय शुरू किया था। साल 2009 में पार्टनरशिप टूट गई। हिसाब में 12,56,000 शैलेंद्र त्रिपाठी को चेक के रूप में भुगतान किया गया। ये चेक बाउंस हो गया। साल 2014 में चेक बाउंस का मामला कोर्ट पहुंचा। प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट वंदना मालवीय की कोर्ट ने सईद अहमद को एक साल की सजा सुनाई और 2000 रुपए हर्जानी का भी आदेश दिया है। तीसरा पार्टनर था शैलेश त्रिपाठी, उसको इनने चेक दिया, वो बाउंस हो गया था। बाउंस होने के बाद फिर उसने कोर्ट में न्यायालय की शरण ली और न्यायालय में मुकदमा 2014 से चल रहा था और ये सब उसको प्रमाणित पाया गया कि उसका लेनदारी थी, चेक बाउंस का डिसऑनर हुआ, इनके खाते में राशि नहीं थी। तो वो जो नियम है चेक डिसऑनर का, धारा 138 के तहत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत, तो एक साल की सजा की गई। चेक की राशि भी दिलाई गई, उसमें 9% ब्याज भी, तो 9% ब्याज वर्ष 2013 का लेन देन था, तब से अभी तक का 9% ब्याज दिलाई गई। मुरैना में किसान सम्मान निधि और लाडली बहना योजना के तहत महिला किसानों के बैंक खाते से रुपए निकालने वाले रोजगार सहायक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। रोजगार सहायक गांव में फिनो बैंक का कियोस्क सेंटर चलाता है और मजदूरी दिलाने के नाम पर 45 महिलाओं का खाते खुलवाए और खाते से ही लाडली बहना योजना की राशि लेकर निकालने गया। महिलाओं ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, जिसके बाद महिलाओं के बयान दर्ज किए गए और उसके बाद फिनो बैंक का कियोस्क सेंटर चलाने वाले राम अवतार दिनकर पर केस दर्ज किया गया है। 2020 जनवरी में खाता खोलने आए थे राम अवतार दिनकर लालपुरा से, बोल रहे थे कि लाडली नहीं सरकारी लाभ मिलेगा, 90 दिन में आपकी राशन की पर्ची मिलेगी, आपकी लड़कियों की शादी में 50,000 रुपये मिलेंगे और खाता मजदूरी पैसा सब आपके खाते में आएगा। भोपाल से बड़ी खबर है, कोलार से आज नहीं होगी पानी की सप्लाई। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा पंप हाउस। शहर की 20% आबादी को परेशानी होगी। कोलार पंप हाउस में मेंटेनेंस का काम होगा। आरएफ नगर, रेशम केंद्र, पिंजोमल, धर्मशाला के लोगों को दिक्कतें होंगी। चौकसी नगर, कांग्रेस नगर, जेपी नगर को के लोगों को दिक्कतें होंगी। ग्रीन पार्क, शांति नगर, बालविहार के लोगों को भी दिक्कतें होंगी। अरेरा कॉलोनी, E6, सूरज नगर में नहीं आएगा शाम को पानी। नया बसीरा, DRP लाइन, राहुल नगर के लोगों को दिक्कतें होंगी। तो वहीं शास्त्री नगर, वहीदिया स्कूल, इब्राहिमपुरा के लोगों को दिक्कतें होंगी। श्योपुर में व्यापारी के मुनीम के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्योपुर जिले के 4 थानों की पुलिस ने घेराबंदी कर राजस्थान से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूटे गए 62,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का शहर में जुलूस भी निकाला। व्यापारी विष्णु गर्ग के मुनीम बंटी उर्फ जितेंद्र के साथ इस गैंग ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। राजस्थान से वसूली कर लौट रहे मुनीम के 89,000 रुपए की लूटपाट की थी। स्टाफ ने यहाँ पर बिहार थाने के समस्त स्टाफ ने उसमें मेहनत किया और जिसके कारण ये सभी वारदात का खुलासा हो गया और इसमें CCTV फुटेज और स्थानीय सूचना के आधार पर, इंटेलिजेंस के आधार पर
के पूरे एक खुलासा हुआ और 62,000 रुपये की रिकवरी हुई और इस गैंग पर और भी कई कार्रवाई ऐसे के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा रही है। ग्वालियर केंद्रीय जेल से बंदी ने भागने की कोशिश की है। लक्ष्मण कलिया निवासी गुलाब बाथम शातिर चोर है और पुलिस ने उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर 19 जून को कोर्ट में पेश किया था। यहां से उसे केंद्रीय जेल भेजा गया जहां वो बांस की मदद से दीवार पर चढ़ गया और दीवार फांदने की कोशिश की। इसी दौरान दूसरे कैदियों ने शोर मचाना शुरू किया। इसी दौरान गुलाब जेल के भीतर गिर गया जिससे सीसीटीवी की मदद से ढूंढ निकाला गया। इस मामले में जेल प्रबंधन ने 2 जेल प्रहरियों को निलंबित भी किया है। जो जेल का जो था उन्होंने उसको सर्चिंग किया तो वो अपने बैरक में नहीं मिला। इसके बाद जो जेल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था और थाने का एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने मिलकर उसको पकड़ा और वो संभवतः एक अपराध कर जब जेल में था उसके बावजूद भी भागने का प्रयास में था तो उसमें फिर जेल का जो आवेदन था उस पर हमने कार्रवाई की है 224 IPC में। बुरहानपुर के नेपानगर क्षेत्र के बाकड़ी गांव के पास लकड़बग्घे के शिकार का मामला सामने आया। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची जहां वन्य प्राणी के अवशेषों के सैंपल जुटाकर जांच पड़ताल जारी है। वन मंडला अधिकारी के मुताबिक शिकार के बाद आरोपियों ने लकड़बग्घे के पंजों को काटकर मिट्टी में दफना दिया था। डॉग स्क्वाड की मदद से वन्य प्राणी के अवशेषों को बाहर निकाला गया। शक के आधार पर वन विभाग ने पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पार्टी फालिया है, उसके पास में सूचना मिली थी कि एक वन्य प्राणी का शिकार किया हुआ है, वो नाले के पास उसको दबाया गया है। तो अभी स्नाइपर डॉग भी लेके आए हैं, उसके तहत हम सर्च कर रहे हैं कि कहाँ, मतलब उसके पेड़ भी कटे हुए हैं। वन्य प्राणी ये लकड़बग्घा है तो 2 लोगों को अभी पूछताछ के लिए भी ले गए हैं। तो अभी पूछताछ की जा रही है कि ये कब किया है। तो 1 से 2 दिन हो चुके हैं इसको, तो इसका विधिवत वन अपराध प्रकरण दर्ज करके वो न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। अपने वतन से हर कोई मोहब्बत करता है। बालाघाट के रहने वाले राज बहादुर वांग भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, लेकिन उनका मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि चाइना है जहां वो जाना भी चाहते हैं, लेकिन मुश्किलें उनका साथ ही नहीं छोड़ रही। वसंत देखुए वांग की ख्वाहिश बस यही है कि जीवन के आखिरी पड़ाव में वो अपनी मिट्टी को फिर से महसूस कर सके। हर इंसान अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत रखता है, जहां उसका जन्म हुआ, जहां वो पला बढ़ा, जहां उसके दोस्त थे, उसके साथी थे, जहां उसकी सारी बचपन की यादें समाई हैं, उस जगह को इंसान ता उम्र नहीं भूल पाता। ऐसे ही हैं बालाघाट के रहने वाले वांग क्यू, जो 26 बरस की उम्र में 1962 के इंडो चाइना वॉर के दरमियान पकड़े गए। आरोप जासूसी का लगा, हालांकि 1969 में रिहाई हुई और तब से लेकर अब तक वांग्यू ने बालाघाट के तिरोड़ी गांव को ही अपना घर आसरा मान लिया। जैसा देश वैसा भेस मानकर नाम भी राज बहादुर रख लिया और 1974 में स्थानीय लड़की से शादी की। फिर परिवार बढ़ा